हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है बॉडी शेप्स पर। आज जो हम बॉडी शेप ले रहे हैं वो है हमारा पैर शेप। पैर शेप मतलब लोग काफ़ी कंफ्यूज होते हैं ट्रायंगल और पैर शेप में। ट्रायंगल और पैर शेप में इतना ही फ़र्क है कि पैर शेप की थोड़ी वेस्ट काफ़ी अच्छी होती है और जो ट्रायंगल की है उसकी थोड़ी वेस्ट ज़रा कम ही होती है। और उनका कैसा होता है, पैर शेप अपर बॉडी नैरो है, वेस पतली है तो वो इस तरह से जा रहा है, और लोअर बॉडी जो है मतलब उनके जो हिप्स है वो काफ़ी बड़े रहते हैं। तो हमेशा ये याद रखिए कि आपकी अपर बॉडी नैरो है तो जैसे ट्रायंगल को बोला गया है कि ऊपर वाइड, बड़े बड़े स्लीव्स, शोल्डर पैड्स वो सब यूज़ कर सकते हैं। अपर बॉडी पे अच्छे कलर यूज़ कर सकते हैं, ब्राइट कलर यूज़ कर सकते हैं, बिग प्रिंट यूज़ कर सकते हैं, बट लोअर बॉडी को आपको और ज़्यादा एनहेंस नहीं करना है। पता है, नॉर्मली मैंने अभी जैसे कि ये शर्ट टक कर रखी है, अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप पीछे से उसको रहने दीजिए। आजकल ये स्टाइल काफ़ी अच्छा है कि आगे से थोड़ा टक करना है और पीछे से, तो आपकी वेस्ट तो पता चलेगी कहाँ पर है। अगर आप नॉर्मली जब हमारा लोअर बॉडी बहुत बड़ा होता है तो हम उसको इस तरह से छिपा देते हैं, मुझे नहीं लगता इससे कुछ फर्क पड़ेगा। मुझे लगता है जिसको मतलब आपको तो पता ही है और लोगों को भी पता ही है तो वो दिखता तो है, ये तो और भी मेरे ख्याल से लूज पहना तो और भी बड़ा दिखेगा। अभी आप देख रहे हैं प्रोपोर्शन कैसा है, ये नैरो दिख रहा है और ये वाइड पार्ट दिख रहा है। अगर आप यहाँ पर बड़ा पैंट, बड़ा फ्रिल्स और बड़ा कुछ रखेंगे तो और बड़ा दिखेगा। तो ये याद रखिए कि आपको ज़्यादा बहुत ज़्यादा मतलब मेरे ख्याल से लेगिंग भी आपको अवॉइड करनी ही चाहिए क्योंकि वो फिर नैरो दिखाता है। लेकिन स्ट्रेट जो सिगरेट पैंट्स है थोड़ा सा चिपका हुआ नहीं पहनिए, थोड़ा सा हल्का सा ब्रीदेबल आप पहन सकते हैं। मतलब जो सिगरेट पैंट होती है वो भी थिनी होती है, वो ऐसा नहीं होता कि वो बहुत वाइड होती है, लेकिन हल्का सा वाइड स्ट्रेट में आप रखें तो अच्छा रहेगा। वाइड भी अच्छा लगेगा अगर आप फ्लेयर वाला है। मैं फ्लेयर वाला बार बार बोल रही हूँ क्योंकि वो पैंट मोस्टली लोगों को सूट करता है। तो अगर आप एक आध पैर रख भी लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास भी काफ़ी सारे हैं। जबकि मेरा शेप, ये शेप जो अभी तक मैंने करी है उसमें मेरा शेप आया नहीं है, लास्ट शेप मैं अपनी लेने वाली हूँ। तो ये याद रखिए। अब ये जो है देखिए, मैंने कट स्लीव्स लिए हैं, तो अगर आपकी शोल्डर्स नैरो है तो इसमें थोड़ा प्रॉब्लम होगा, और ज़्यादा नैरो लगेंगे। और आपने नीचे ऐसे वाइड कर रखा तो ये ए लाइन का टॉप है सिमिलर टू बैक, तो क्या होगा कि आपका वाइड लगेगा। तो कोशिश कीजिए कि आप ए लाइन ना लें। मे बी आप स्ट्रेट में थोड़ा सा ले सकते हैं, अपर बॉडी में थोड़ा हैवी रखिए, वाइडर रखिए। वेस्ट आपकी पतली है, आप वेस्ट को अंदर रहने दीजिए, नीचे से हल्का सा बट नॉट टू मच, लाइक आप बहुत ज़्यादा वाइड, बहुत ज़्यादा फ्लेयर मत लीजिए क्योंकि वो फिर और ज़्यादा वाइड लगेगा। जैसे अनारकली थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। मे बी आप ए लाइन जो थोड़ा वाइड ए लाइन नहीं होता, थोड़ा सा कम मतलब नैरो होता, ज़्यादा वाइड नहीं होता वो लीजिए। आपको ऐसा लगेगा कि नैरो लेंगे तो हमारे हिप ज़्यादा दिखेंगे, तो ऐसा नहीं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप बॉडी कॉन पहनिए, अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो आप पहन भी सकते हैं बॉडी कॉन, बट ये याद रखिए कि आपको छुपाने के चक्कर में आपको और ज़्यादा उसको दिखाना नहीं है। आप इस तरह से, आपको लग रहा है कि इस तरह से ढक देंगे तो सब छुप गया है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, जो दिखना है वो दिखता ही है। तो इसीलिए अवॉइड करने से कुछ नहीं होगा, उसको कैसे हमें प्रोपोर्शन में लाना है, हमें अपर बॉडी को हैवी दिखाना है ताकि लोअर बॉडी थोड़ी सी प्रोपोर्शन में आ जाए और उस पर ध्यान नहीं जाएगा। ठीक है, तो हमेशा कोशिश करिए कि कोई भी चीज़ है जो ये बेटर नहीं है उससे, आप कहेंगे कि स्टमक है तो स्टमक सबका ही है, मेरा भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इन ना करूं। वाइट कलर कितना अच्छा लग रहा है, लोग वाइट को अवॉइड करते हैं, लेकिन जिनकी बॉडी हैवी होती है ऊपर की, वाइट यूज़ कर सकते हैं, लाइटर कलर है, नीचे पैंट पहनी। सो ये कॉम्बिनेशन हर कोई पहन सकता है, वाइट एंड ब्लू जीन्स वाला मटेरियल। ऑब्वियसली जीन्स पहनते हैं, जीन्स में सिगरेट वाली जीन्स थोड़ी जो ज़्यादा स्किनी जीन्स थोड़ी अवॉइड कीजिए, क्योंकि कैसा होता है कि अगर आपका बॉडी यहाँ पर बड़ा है और फिर अपने नीचे एकदम नैरो तो कैसा होता है, लॉलीपॉप जैसा दिखने लगता है। उस चीज़ को आपको थोड़ा सा अवॉइड करना है। आप स्ट्रेट में मतलब नैरो ही ले लीजिए स्ट्रेट में, बट इतना टाइट मत रखिए कि ज़्यादा दिखे, और ऐसे हिप्स के ऊपर ऐसे टॉप मत करिए क्योंकि वो कुछ छिपेगा नहीं, क्योंकि हाफ ऑफ द बॉडी आप प्रोपोर्शन ही उसको गड़बड़ कर दे। आप समझिए, ये टॉप अगर इतना लंबा होता तो
तो मेरे लेग्स कितने छोटे दिखेंगे। और मैंने जब बोला कि पैर शेप होता है तो वो मोस्टली होते हैं उनके लेग्स छोटे होते हैं। इस तरह से आपने अपनी बॉडी को काट दिया, आपकी बॉडी अब अपर बॉडी लंबी लग रही है और लेग्स बहुत छोटे लग रहे हैं। तो इस तरह से आप अवॉइड करिए इसको, इतने लंबे लंबे टॉप पहन लिए लूज से और आपको लग रहा है कि आपके बॉटम से दिख रहे हैं लेकिन आपकी बॉडी तो छोटी लग रही है और भी ज्यादा प्रोपोर्शन गड़बड़ लग रहा है। राधा देन आप उसे सुधारने के आपने और बिगाड़ दिया। तो इन बातों का ध्यान रखिए, अपर बॉडी पे अच्छे ब्राइट कलर पहनिए, लोअर बॉडी को थोड़ा सा न्यूट्रल कलर्स, न्यूट कलर्स होते हैं ना वो, क्रीम कलर, वाइट कलर, इस तरह के कलर रख कर सकते हैं। ब्लैक भी पहन सकते हैं, मैं नहीं कह रही हूँ ब्लैक, मगर ब्राइट कलर ऊपर पहनिए क्योंकि अच्छे बोल्ड कलर्स, अच्छे बोल्ड प्रिंट्स आप पहन सकते हैं। जैसे मैंने ट्रायंगल को बताया, बड़े बड़े पफी स्लीव्स, बड़े बड़े स्लीव्स, आजकल तो कितने अच्छे अच्छे स्टाइल के स्लीव्स हैं जो मैं अवॉइड करती हूँ लेकिन आप पहन सकते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखिए, आज की शेप के लिए बस इतना ही। आप ये इंपॉर्टेंट टिप्स हैं इनको भूलिएगा मत, और नेक्स्ट टाइम फिर नेक्स्ट शेप के साथ फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।